जिला योजना समिति की बैठक जिला पंचायत सदस्यों की उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाते हुए जिला पंचायत सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष गीतांजलि यादव पूरे बैठक में शामिल रहीं। चीडीए सभागार में बुधवार को जिला योजना समिति की बैठक आहूत की गई थी, जिसकी अध्यक्षता जिले के प्रभारी व प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह कर रहे थे। बैठक में समिति के सदस्य के रूप में शामिल जिला पंचायत सदस्य संघ के सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया और जीडीए बिल्डिंग में ही धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। जिला पंचायत सदस्य बैठक की समाप्ति तक धरने पर बैठे रहे, जबकि प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि बैठक का बहिष्कार करने वाले जिला पंचायत सदस्यों को जिले के विकास से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायत सदस्यों के संघ के महामंत्री पंकज शाही, सदस्य एसपी सिंह और जिले के प्रभारी व प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, आप बात समझिए, नहीं सुनिए, दफ्तर भी सरकारी है, सुनिए दफ्तर आप भाई, जनता का काम नहीं होगा, आप बैठ के आप लोग पंकज शाही, जिला पंचायत सदस्य गोरखपुर। आज जिला योजना की महत्वपूर्ण बैठक थी, जिला पंचायत से जिला योजना की बैठक अस्वीकार कर ली गई, उसके बाद भी बैठक किया जा रहा है। 3 साल से ये लगातार चला आ रहा है कि जिला योजना में शून्य एक भी रुपया नहीं दिया जा रहा है, इस बार भी 1 रुपया नहीं दिया गया। पिछली बार माननीय मंत्री जी ने, प्रभारी मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हम प्रत्येक जिला पंचायत सदस्यों को 5-5 किलोमीटर सड़क और 50-50 हैंड पाइप देंगे, लेकिन साल भर लगातार 2 बार से आश्वासन आश्वासन आश्वासन, जब हमारा कोई मतलब नहीं है, हम 50,000 के जनता के द्वारा चुन के आए हुए जनप्रतिनिधि हैं, हमारा कोई सम्मान नहीं किया जा रहा है, कोई बात नहीं सुनी जा रही है, तो इसलिए आज हम लोगों ने बैठक का बहिष्कार किया है। एसपी सिंह, जिला पंचायत सदस्य गोरखपुर। ऐसा पहली बार हुआ है कि गोरखपुर में जिला योजना के प्रभारी मंत्री जी द्वारा लगातार 2 वित्तीय वर्षों में उन्होंने जिला पंचायत सदस्यों को आश्वासन दिया कि आपके प्रस्ताव पर हम 5 किलोमीटर सड़क, इंडिया मार्ट का हैंडपंप देंगे। लगातार 2 वर्षों में उनके प्रस्ताव पर बजट शून्य रहा, तीसरे वर्ष में भी उनके प्रस्ताव पर बजट शून्य है। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि जब हमारे प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तो हम जिला योजना पास करने का रबर स्टैंप नहीं है। हम लोगों ने जिला योजना का इसलिए गोरखपुर में बहिष्कार करने का निर्णय किया। वो जो धरना दे रहे हैं वो विकास के विरोधी, यदि विकास के समर्थक होते, गोरखपुर जनपद का वो विकास चाहते होते तो यहाँ बैठकर विकास के आयामों को जुड़वाने का काम करते, वो बाहर नहीं जाते। वो लोग तो जो धरना दे रहे हैं वो विकास के विरोधी हैं, वो नहीं चाहते जनपद गोरखपुर का विकास हो। जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं, ये अच्छी बात है। बाकी जिन्हें विकास में चिंता, उन्हें विकास की चिंता थी, और जिन्हें विकास की चिंता नहीं थी वो बहस करते हैं।